हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री। तो इसमें जो है हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री जो है हम के सिलेबस जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए। तो क्लास 12th का हम लोग सिलेबस इसमें देखते हैं कि कितने चैप्टर जो है पढ़ने हैं। ठीक है, तो चैप्टर का जो है हम लोग नाम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में चार सेक्शन में हम लोग इसको कर सकते हैं, बांट सकते हैं केमिस्ट्री को जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें चार पांच चैप्टर आएंगे। फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में जो है ना, यूनिट फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर हैं पाँचों। सॉल्यूशन है हमारा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है, और फोर्थ है केमिकल काइनेटिक्स, और पांचवा है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे जो यूनिट्स है ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएंगे, यानी ये फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट है। ठीक है, तो बारी बारी से सब हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे, सरफेस केमिस्ट्री सब पढ़ेंगे, बारी बारी से सब चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में बात करता हूँ, तो इनऑर्गेनिक में चैप्टर यानी यूनिट जो है सिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट है ना, तो ये चैप्टर सिक्स है। चैप्टर सेवन में है पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस हम लोग करेंगे पढ़ेंगे। और यूनिट एट में जो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और यूनिट नाइन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अब कौन कौन यूनिट है, तो यूनिट 10, 11, 12 और 13 है। नाम क्या है, तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस है, एल्कोहल फिनॉल एंड इथर है यूनिट 11 में। यूनिट 12 में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यूनिट 13 में है एमीन्स। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर जो है प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बायो केमिस्ट्री में कौन कौन यूनिट है, तो तीन थे है ना, यूनिट 14, 15 और 16। 14 में है कि बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर क्या होते हैं, है ना, टाइप कितने होते हैं, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये जो है हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग फिजिक्स में देख लेते हैं कि फिजिक्स में जो है कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो देखो, फिजिक्स में ना टोटल 10 चैप्टर हैं, ठीक है, और सबका नाम हम लोग जानते हैं। यूनिट वन में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और यूनिट टू में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिट थर्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। यूनिट फोर में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI एंड SC यानी अल्टरनेटिव, है ना, अल्टरनेटिक करेंट। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को पढ़ना है। और चैप्टर जो है फाइव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और सिक्स में है ऑप्टिक्स। ठीक है, और चैप्टर सेवन में है रेडिएशन एंड डल नेचर ऑफ ए मैटर, और यूनिट एट में है एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, और नाइन चैप्टर में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यूनिट 10 में है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये है फिजिक्स के 10 चैप्टर, और केमिस्ट्री में है जो टोटल 16। ठीक है, तो केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है और फिजिक्स में टोटल 10 चैप्टर है। तो हम लोग जो है इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।